आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है हिमाचल जीके की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी एचएस के एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे तो जो हिमाचल जीके है वो हमारे जो हिमाचल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ एचएस की ही बात करेंगे कि हिमाचल जीके कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो ये वीडियो है ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर अभी आपने शुरू करा है पढ़ना, ठीक है, और आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि जो हिमाचल जीके है वो किस तरह से हम पढ़े, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही बना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की क्या जरूरत है कि हमें क्या क्यों नीड है हिमाचल जीके को एचएस के लिए पढ़ने की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि हिमाचल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज एग्जाम है उसमें आपका प्रीलिम्स होता है, उसमें आपका मेंस होता है, ठीक है, और इंटरव्यू भी रहता है। तो तीनों ही जो स्टेजेस है उन तीनों के लिए आपको हिमाचल जीके का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करती हूँ तो प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स में जो 20% है, 20% जो है वो आपका पोर्शन रहता है हिमाचल जीके का। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपका 33% जो पोर्शन है वो आएगा आपका हिमाचल जीके से। तो प्रीलिम्स में आपको आपको ये भी चीजें अपने ध्यान में रख के चलनी है कि प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का। तो वैसे ही आपसे हिमाचल जीके के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 20 × 2 = 40, मतलब कि 40 मार्क्स का जो है, ठीक है, 200 नंबर का आपका पेपर होता है प्रीलिम्स का। तो जो 40 नंबर है वो आपके रहते हैं हिमाचल जीके के। ठीक है, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। अब मेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो 33% मीन्स आपको जैसे GS1 होता है, GS2 होता है, GS3 होता है, उसमें जो 33% है वो आपका हिमाचल जीके का पोर्शन है। ठीक है, 33% मतलब आपको जो GS1 है, ठीक है, वो आपका रहेगा 200 मार्क्स का। ठीक है, वैसे ही GS2 भी 200 मार्क्स का है, GS3 भी 200 मार्क्स का है। इन 200 में से जो आपका 60-80 जो मार्क्स है वो आपके किसके है, हिमाचल जीके के। तो 60-80 जो नंबर है वो आपके जो रहेंगे वो हिमाचल जीके के लिए रहते हैं। तो 33% आपका जो है वो मेंस में हिमाचल जीके का पोर्शन रहता है। ठीक है, ये और जो इंटरव्यू जब आपका होता है वहाँ पर भी डेफिनेटली आपसे हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिमाचल जीके का एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एचएएस की का जो है वो एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपने अभी प्रेपरेशन करना शुरू करा है तो उन बच्चों को पहले जो पेपर है, जो भी कोई आप एग्ज़ाम देते हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी कौन कौन सी नीड्स है, कैसा उसका पैटर्न है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें किताबें नहीं उठानी है, सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम्स के जो का जो पैटर्न है उसमें क्या क्या, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब सब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो डेफिनेटली बहुत कम टाइम में उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा भी आता है। ठीक है, लेकिन बहुत से जो हम बच्चे होते हैं वो हम क्या करते हैं, हम लोग बुक्स उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं और हमें नहीं एक पैटर्न का पता होता है, नहीं एक जो रिक्वायरमेंट है उस एग्ज़ाम की उसका उसको हम देख के चलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें कैसे पता चलेगी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो एग्ज़ाम की नीड है, उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें कहाँ से समझ आएगी, वो हमें कहाँ से पता चलेगी। तो उसके लिए जो आपका कमीशन है उन्होंने सिलेबस दे रखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो कि ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको जो हिमाचल प्रदेश की जो कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो तो किताबें उठाने से बेटर है कि सबसे पहले आप सिलेबस उठाओ। ठीक है, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, चाहे वो प्रीलिम्स के हैं चाहे वो मेंस के हैं, जब आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, ठीक है, अब ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया, इनको बार बार पढ़ना है। ठीक है, इनको जब आप बार बार पढ़ोगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे आपको समझ आने लगेंगे कि ये हमारे
जो क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको किताब पकड़नी है कि हमेशा स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो, ठीक है। ये नहीं कि आपने शॉर्टकट तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। शॉर्टकट तरीके से पढ़ने से बेटर है कि कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, उसको बहुत बार पढ़ो और फिर जाके उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस और जो PYQ है ये अपने पास इकट्ठा करो, उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। जो कि मैंने आपको बोला, जो कहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो कमीशन की वेबसाइट है वहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब सिलेबस मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं कहीं से सिलेबस अवेलेबल होता है, अगर आपको नहीं कष्ट करना है वेबसाइट पे जाके ढूंढने का, तो ये है आपका GS1 का सिलेबस, ठीक है, और ये है GS2 का, और ये है आपका GS3 का, ठीक है, जो कि आपको PDF में अवेलेबल हो जाएगा। अब जब आपने सिलेबस देखा, ठीक है, तो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। अब जब सिलेबस पढ़ोगे आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, तो वहां से आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलियम्स और मेंस दोनों में पूछे गए हैं, और कौन से आपके टॉपिक्स प्रीलियम्स के ही है और कौन से आपके टॉपिक्स मेंस के ही है, ठीक है। जब आपने इतनी चीजें सेग्रीगेट कर ली, तो आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो सिलेबस से आपको चीजें क्या क्लियर होगी, प्रीलियम्स और मेंस आप सेग्रीगेट कर लोगे, आप उसको डिफरेंशिएट कर लोगे कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे प्रीलियम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़नी है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे सिर्फ मेंस मेंस के लिए प्रिपेयर करनी है, ठीक है। प्रीलियम्स में हमें जो फैक्ट्स है वो हमें बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए एक तरह से, क्योंकि जो एग्जाम है वहाँ पे अभी तक हम हिमाचल के जो पेपर होते हैं वहाँ पे हमें फैक्ट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रीलियम्स के लिए जो फैक्ट्स है, जैसे इसकी अगर ये जो हमारा टॉपिक है कांगड़ा कुल्लू और चंबा आपको गिवन है मेंस में, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो हमें 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट पढ़ के जाने होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब आपने डिस्ट्रिक्ट पढ़ना शुरू कर ही दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो है हिमाचल का, तो आप कांगड़ा कुल्लू और चंबा को थोड़ा डीपली स्टडी करो, ठीक है। उसके जो नोट्स है उसको इस तरह से बनाओ कि वो आपके मेन्स में भी काम आए, ठीक है। अगर आपका जो गोरखा इन्वेजन है, ठीक है, अब गोरखा इन्वेजन जो है वो हमारा प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और हमारा मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे कि प्रीलिम्स में भी काम आए और मेंस में भी काम आए, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी जो हम एंड में की जो नोट्स है वो आपको किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। अब जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आपकी जो फॉरेस्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेन्स के लिए, तो जो इसके नोट्स है वो आप मेन्स के परस्पेक्टिव से बनाओ, ठीक है। अब आपका सोसाइटी एंड कल्चर वाला पोर्शन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलियम्स के परस्पेक्टिव से भी और मेंस के परस्पेक्टिव से भी। लेकिन यहाँ पे भी हमें, अगर हमने प्रॉपर एनालिसिस किया होता है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, तो हमें यहाँ से ये चीजें भी समझ आ जाती है, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में, तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेंस में यहाँ से 4 मार्कर जो क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो जब आपके पास हर एक टॉपिक का इस तरह का एनालिसिस होगा कि अगर मैं जो ये पॉलिसीज है, फॉरेस्ट होगी, इंडस्ट्रियल होगी या फिर टूरिज्म पॉलिसी होगी, अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ और आपने प्रीवियस ईयर को प्रॉपरली एनालाइज करा है, तो आपको समझ आएगा कि जो ये वाले टॉपिक्स है ये आपके 20 मार्कर में पूछे जाते हैं, मतलब कि 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका मेंस में से, ठीक है। प्रीलिम्स में ये ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, ये आपके मेंस में पूछे जाते हैं। तो आप जब अपनी पढ़ाई करोगे तो आप किसके नोट्स उसी तरह से बनाओगे, ठीक है। अब GS2 में मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपका मेंस में ही पूछा जाता है, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपका जो ये वाला पोर्शन है जो रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड पॉलिटिकल पार्टीज, ये इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी जो अदर पोर्शन है वो आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब वैसे ही GS3 है, GS3 आपका मोस्ट जो डेटा है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे में अवेलेबल होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे अगेन बहुत ऐसा डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि आपका हर साल निकलता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो हर हर साल निकालती है, तो आपको हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है वो आपको पढ़ के जाना होता है, जिसमें कि आपका प्रीलिम्स और मेंस का बहुत सारा जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक गिवन है वो आपके कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको बुक्स, अब हम बात करेंगे बुक्स की, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताया, सिलेबस लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो, उनका एनालिसिस करो, उनको पढ़ो बार बार। उसके बाद आप अब जो बुक किताबें हैं, ठीक है, वो भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, ठीक है, तो उन किताबों को निकालो और फिर उनको पढ़ो, ठीक है। अब सबका जो
पढ़ने का कि जो बलोग्रह है वो बहुत बल्कि बुक है, अब तो दो वॉल्यूम में आती है, ठीक है। बट अगर आप HS की जो परीक्षा है वो दे रहे हो, HS का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए जो बलोग्रह है, बलोग्रह जी की जो बुक है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बुक आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट है हिमाचल जीके की वो सारी की सारी वो फुलफिल करती है, ठीक है। अब न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि उनको अगर आपने पढ़नी शुरू कर दी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो एक आसान तरीका मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक बुक है हिमाचल दर्पण, ठीक है, हिमाचल दर्पण, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो अगर कोई आपको, सपोज आपने हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल पढ़ना है, ठीक है, अब आपको पढ़ना भी कैसे होता है, ये नहीं कि आपने बुक पकड़ी और स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है आपको। जब आपने एनालिसिस क्या होगा, ठीक है, जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको वो चीजें समझ आ जाएगी कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो हमारे उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये भी ध्यान में रखना है, और ये कैसे समझ आएगा, जब आप एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल है, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री ऑफ हिमाचल से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको हिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो आपको हिमाचल दर्पण, जो हिमाचल दर्पण है, ठीक है, इसमें शॉर्टकट जो चीजें है वो गिवन है, तो हिमाचल दर्पण को उठाना है, ठीक है, इससे पहले एक बार पढ़ लो, ठीक है, इससे एक बार पहले पढ़ लो कि क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट तरीके में चीजें देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो जगमोहन बलोकरा है, जगमोहन बलोकरा को उसके बाद पढ़ना, इस तरह से क्या होगा कि आपको एक बेसिक जो आइडिया है वो आपको हिमाचल दर्पण से मिल जाएगा, और फिर उसके बाद जो थॉरो जो स्टडी है, क्योंकि जो हिमाचल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डायरेक्ट बलोकरा से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपको जो बलोकरा है वो बल्कि लगती है तो आपने पहले जो टॉपिक है वो दर्पण से पढ़ा, फिर उसके बाद उस टॉपिक को, क्योंकि दर्पण से पढ़ने के बाद आपको उसका जो बेसिक आइडिया है वो समझ आ जाएगा, और फिर आप उसके बाद जब उसको जगमोहन बलोकरा से पढ़ोगे तो जो आपकी चीजें हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये है आपकी MCQ से रिलेटेड बुक्स, ठीक है, अगर कोई आपने टॉपिक पढ़ा तो उस वो आपको कितना समझ आया, ठीक है, वो देखना भी बहुत जरूरी है। तो MCQs के लिए जगमोहन बलोकरा की ही बुक आती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल पढ़ा, उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस है वो आपने जो ये ऑब्जेक्टिव जो हिमाचल जीके की जो बुक है आप इससे उनको सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ठीक है, ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो वैसे ही बलोकरा में बहुत ज्यादा गिवन नहीं है, थोड़ा ही गिवन है, ठीक है, कुछ ज्यादा पेजेस नहीं है वो आपको, अगर आप जगमोहन बलोकरा से डायरेक्ट भी पढ़ते हो तो यहाँ से भी वो आपका बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उसके जो MCQs है वो उसके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही जो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक है हिमाचल जीके के लिए। अब नेक्स्ट कुछ और भी बुक्स है, ठीक है, जैसे कि मियाँ गोवर्धन जी की जो बुक है, ठीक है, हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी, ठीक है। अगर अभी देखो जो हमने एग्जाम दिया HS का, ठीक है, उसमें जो एक क्वेश्चन आया था तो वो ज्योग्राफी का वो जगमोहन जो मियाँ गोवर्धन जी की बुक से उठाया हुआ था, ठीक है। तो अब ये नहीं करना है कि अगर कोई एक क्वेश्चन किसी और किसी बुक में आपको देखने को मिला तो आपने वो बुक भी पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपका जो जो बुक 90% चीजें कवर अप कर रही है आपको उस बुक पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बलोकरा की जो बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप जो बाकी बुक से आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप कंपेयर भी करोगे तो मैक्सिमम जो चीजें है वो सिमिलर सिमिलर सी ही है, कुछ चीजें है इधर उधर, बट बाकी जो मियाँ गोवर्धन जी की जो बुक है और जो बलोकरा है वो सेम सेम ही है, ठीक है। अब एक और डॉक्यूमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है हिमाचल का वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये आपका हर साल नया आता है, ठीक है, तो इसको आपको 2 ईयर का तो करके जाना ही है। देखो अभी जो हमारा एग्जाम होने वाला है 2023 का, उसके लिए काफी टाइम है, ठीक है। तो अगर आपने आज से भी पढ़ना शुरू करा है, ठीक है, तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है वलोकरा पढ़ने के लिए भी, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के लिए भी, ठीक है। तो ये वाले डॉक्यूमेंट भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि अगर आप इनको नहीं करके जाते हो तो मैंने बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नोट्स, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को जो होता है कि हम बुक से ही पढ़े या फिर नोट्स बनाए या क्या करें, ठीक है। देखो नोट्स मेरे अकॉर्डिंगली आपको सबसे एंड में बनाने चाहिए, जब आपको एक टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज हो जाए, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल या फिर ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल कोई भी चीज़ें पढ़ ली हो पहले, ठीक है, और आपको चीज़ें वो समझ आ चुकी हो, उसके बाद ही आप नोट्स बनाए। ये नहीं कि अभी आपने आज से ही पढ़ना शुरू कर दिया और आज से ही नोट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। वो एक आई थिंक एक प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। पहले एक टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमें उसके नोट्स बनाने चाहिए। और जो नोट्स होते हैं, यहाँ पे देखो 2 तरह के नोट्स हैं। एक ये इस तरह के नोट्स हैं जिसको बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, टोटली टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको बाद में खुद ही समझना है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। दूसरी तरफ कि आप नोट्स को क्या करो, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि पूरी की पूरी जो बुक है वही आपने अपनी नोटबुक में छाप दियो, वैसा करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके बाद उसके नोट्स जब बनाते हो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, जिससे कि जब बाद में आप जब पेपर नजदीक आने लगे तो आप उन नोट से चीजों को रिवाइज कर सको, ठीक है। और कुछ स्पेस भी छोड़ना चाहिए कि कुछ आपने इसमें ऐड करना हो कुछ चीजें, तो थोड़ा सा स्पेस जो जब आप नोट्स बनाते हो तो कुछ स्पेस आप एडिशनल नोट्स के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपने जो नोट्स बनाए होंगे वो ही आपके एंड में काम आने वाले हैं, ठीक है। और रिवीजन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, क्योंकि हिमाचल में आपसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो फैक्ट्स आपको बार बार पढ़ने पड़ते हैं, अदरवाइज उनको भूल जाते हैं, तो उसके लिए जो रिवीजन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कि अब जो हिमाचल जी की है, ठीक है, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछी जाती है, ठीक है, तो उसके लिए किस तरह के नोट्स बनाए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एनालाइज कर लिया अपना जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और जो सिलेबस है, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स में है, कौन सा टॉपिक मेंस में है, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस के जो टॉपिक्स है वो उनके आप अलग अलग से नोट्स बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेंस जो है उसका बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत डिफरेंट है प्रीलिम्स से। GS2 की अगर हम बात करते हैं तो वो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपका मेंस में ही पूछा जाता है, प्रीलिम्स में बहुत कम चीज़ें पूछी जाती है। तो कोशिश करो कि प्रीलिम्स और जो मेंस है उसके लिए अलग अलग नोट्स बनाओ, ठीक है, जो कॉमन है, जैसे क्योंकि जो मेंस है उसका टोटली जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा वो अलग रहेगा, प्रीलिम्स में आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस के जो नोट्स है वो आप अलग अलग भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कि जब आपने रिवाइज करना है तो आपको तो क्या बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अलग से नोट्स बनाए होंगे और मेंस के लिए अलग से नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे एंड में रिवाइज करने के लिए। आप इंटीग्रेटेड नोट्स भी बना सकते हो, जो GS1 वाला हमारा पोर्शन है, ठीक है, मैक्सिमम वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो जो GS1 है उसके आप इंटीग्रेटेड नोट्स बना सकते हो प्रीलिम्स और मेंस के, ठीक है। तो उसका जो बेनिफिट रहता है नोट्स बनाने का वो रहता है कि आपका जब आप रिवाइज करोगे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, आपको बुक्स जो बल्कि बुक्स होती है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट्स भी इम्पोर्टेंट है, बट नोट्स तभी बनाओ जब आपका जो टॉपिक है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, आपको समझ आ जाए कि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर प्रीलिम्स के लिए ही है या फिर मेंस के लिए ही है, ठीक है। अब है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि नोट्स तभी बनाओ जब आपका एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप जो PYQs है और जो मेंस है उसकी आंसर राइटिंग या फिर उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मॉक टेस्ट होते हैं, अगर आपकी ये सब चीज़ें जो है वो फुलफिल हो जाती है, उसके बाद आप
जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली हिमाचल जीके का जो पोर्शन है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप उसको बहुत इजीली उसको कवर अप कर सकते हो। उसको डिवाइड कर लो, ठीक है, हिस्ट्री को डिवाइड कर लो। सबसे पहले हिस्ट्री जो है हिमाचल की हिस्ट्री को पकड़ लो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ज्योग्राफी को कवर अप कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जो सोशियो कल्चर है हिमाचल का, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ब्रेक ब्रेक करके अपने जो हिमाचल है उसको डिवाइड कर लो, और फिर उसके बाद इसके उसी तरह से नोट्स भी बनाओ, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हिमाचल जी के, अगर आप इसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ते हो तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे सिर्फ जो बलोकरा की जो बल्कि बुक है उसको देख के घबरा जाते हैं और पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। एक बार उसको पढ़ के देखो, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आपको उसको पढ़ने में जब मज़ा आने लगेगा तो डेफिनेटली जो हिमाचल जी के वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट रहता है, ठीक है, कुछ आपको चीज़ें और पूछनी हो, ठीक है, कुछ आपसे चीज़ें मैं आप यहाँ पर क्लियर ना कर पाई हूँ, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, मेल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि जो द वंडरलैंड है, जो हमारी बलोकरा जी की बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने HAS को देना है तो आपके लिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास जितने मर्जी जिस तरह के भी नोट्स हो, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड बुक है इसको आप ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है। थैंक यू एवरीवन। कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारे से कॉल और मेल पे पूछ सकते हैं।